सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के V30e डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अलार्म सेटिंग्स कैसे करेंगे। हालांकि आई नो कि ये अलार्म जो सेटिंग्स है काफी इजी टू यूज है एंड काफी लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस तरीके से अलार्म्स को सेट करते हैं, बट बहुत लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको एक्चुअली में नहीं पता है कि अलार्म्स को सेट करते कैसे हैं। एक बार छोटा सा डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं अलार्म सेटिंग्स का यूज कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर अलार्म सेटिंग्स का यूज करने के लिए हम यहां पर क्लॉक ऐप का यूज करेंगे। इसके अंदर हम स्टॉप वॉच, टाइमर एंड जो टाइम एंड डेट, नॉर्मल क्लॉक वगैरह है, सारे के सारे सेटिंग्स को मैनेज कर पाएंगे, ना कि सेटिंग्स में जाके। तो यहां पर हम क्लॉक को सर्च करते हैं इस तरीके से एंड एप्लीकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन टाइमिंग देख सकते हो क्या हो रही है, एक बार इसको प्रेस करके ओपन करेंगे तो पहला जो हमें ऑप्शंस मिलता है वो एक्चुअली क्या है कि अलार्म का ही मिलता है, देन क्लॉक का है, टाइमर का है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच वो होता है कि कोई कॉम्पिटिशन वगैरह आप कर रहे हो तो उसमें स्टॉप वॉच काम आता है एक दो मिनट के लिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं अलार्म के, दोनों को आप ऑन कर सकते हो। हालांकि अगर अलार्म सेट करना है तो एक सिंगल से भी काम हो सकता है, बट यहाँ पर डबल ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आप एक ही दिन में दो बार अलार्म को सेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पहले ऑप्शंस को एक दिन के लिए यूज़ कर सकते हो, सेकेंड वाले को उसी दिन दूसरे किसी अदर टाइम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको सेट कैसे करना है, इसके लिए इसको प्रेस करना, एक क्लॉक आएगी 24 आवर्स का टाइम जो लोग यूज़ करेंगे उसमें 23-24 बजता है। अगर 12 आवर्स का यूज़ करोगे तो इस तरह से AM PM का ऑप्शन आएगा। अगर दिन के 12 बजे के बाद आप जाते हैं तो इसमें PM आ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। रात के 12 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो उसमें AM हो जाता है। सुबह का टाइम लगाना है तो AM सेट करके रखना। एंड काफ़ी लोगों के अलार्म से इस तरह से भी रात में दिन सुबह में लगाते हैं तो रात में लाइक रिंग करता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसको सेट करना AM PM से होता है। अब अगर हमें सुबह के 6 बजे लगाना है तो 6 बजे हम यहाँ पर चूज करेंगे एंड यहाँ क्लॉक से आप इसको 6 बजा देते हैं एंड इसको हम AM ही रहने देते हैं क्योंकि हमें सुबह में चाहिए। एंड रिपीट का एक ऑप्शन होगा, इसमें डेज आपको मिल जाएंगे, जो भी डेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ऑटोमेटेड उसी डेज को लगा रहे, डेली लगाना ना पड़े, इसलिए इस बॉक्स को इस तरह से चेक मार कर लेना जिस डेट को आपको लगाना है, ओके कर देंगे। एंड अलार्म साउंड है यहाँ पर प्रेस करेंगे। अगर आपने अलार्म साउंड आपकी काफ़ी डिम है, लाइक तो स्लो वगैरह है उसका वॉल्यूम वगैरह या फिर उसकी म्यूजिक, तो आप यहाँ से इसमें से कुछ भी अलार्म सेट कर सकते हो जो आपको पसंद आए। कोई कस्टमाइजेशन लगाना है कोई कस्टम, तो ऐड न्यू पे क्लिक करके कोई सॉन्ग वगैरह भी आप अलार्म के लिए सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, वाइब्रेशन आप ऑन करेंगे क्योंकि वाइब्रेट भी करता है जब आपका ये अलार्म चालू होगा तो वाइब्रेशन भी आती है, अगर चाहें तो ऑन कर सकते हैं। लेवल सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर लेटर का एक ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रेस करना। अगर आपका अलार्म एक बार लाइक कह सकते हो रिंग कर चुका है, दोबारा से आपको रिमाइंड कब कराए तो उसके लिए टाइम है, आप इसमें 10 मिनट, 5 मिनट जो भी आप लगाना चाहें उसके बाद वापस से वो रिमाइंड करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आपको सारी सेटिंग करने के बाद आपने एक ऑप्शन होगा एरो, ये वाला, इसको प्रेस कर देंगे तो ये अलार्म सेट हो जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से सेकेंड वाले ऑप्शन को ही फॉलोअप करना है। अगर उसी दिन को अलार्म लगाना है तो उसमें आपको टाइम को चेंज कर देना है, बस आपका अलार्म जो है सेम डेज को दो बार लग जाएगा। अगर आप चाहें तो अदर डेज में भी लगा सकते हैं। आई थिंक ऐसे समझोगे अलार्म सेटिंग्स का यूज़ कैसे करना था वीवो के V30e डिवाइस के अंदर।